यहाँ पे लोग को प्रॉब्लम कोरोनिल से नहीं है, यहाँ पे बाबा रामदेव से प्रॉब्लम है। पतंजलि ने बंदूक के नोक पे आपको लूटा है क्या? पिछले कितने सालों से हड्डियों से आपका दांत घिसवाता था, उन्होंने मजबूर कर दिया ना वेद शक्ति बनाने के लिए। आज वही कोलगेट वेद शक्ति बना रहा है ना। दिन भर चप्पल चाटते इनका जिंदगी जा रहा है और ये लोग बाबा रामदेव को और ये आयुर्वेद को शक्ति को समझेंगे? रामदेव बाबा पे मुझे गर्व है और मैं पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करके बहुत खुश हूँ। फेयर एंड लवली जो ऐड करता है कि आप लगा के गोरे हो जाइएगा, आज तक क्यों नहीं सवाल उठाया? कहाँ 5,000 का दवा और कहाँ 500 का? तो देखिए, ये तिलमिलाहट है और ये तिलमिलाहट रहेगी उन वामपंथियों में। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, जिस दिन मेडिसिन आएगी सबसे पहले वही लोग लाइन में लग के खरीद लेंगे ताकि दूसरे लोग को दवा ना मिले। देखिए, इनको पता है, विश्वास है रामदेव बाबा पे, दवा पे भी विश्वास है। ये जानते हैं कि मैं उससे ठीक होऊंगा। एक चीज बताइए, गरीब आदमी 500 का दवा खरीदेगा या 5,000 का? दूसरा, खास करके रामदेव बाबा तो जाहिर सी बात है एक वो एक फेस है, एक आइकन है जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके विरोध में तो होना ही है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कोरोना की दवा के लिए। और जैसे जैसे कोरोना की देश के अंदर जो महामारी फैलती हुई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद की एक जिम्मेदारी भी बनती है, उसने उसका इलाज खोजा और इलाज खोजते ही वो विवादित घेरों में घिस गया। बाबा रामदेव की जैसे ही पीसी हुई और वो जो कोरोना की जो दवा जैसे ही लॉन्च की, लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ आने लगी। आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ धीरज पांडे जी जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि ये इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं। धीरज जी, आपसे सीधा सवाल है कि अगर बाबा रामदेव आयुर्वेद को अगर तवज्जो देते हैं और हमारे देश में जो एलोपैथी है वो हावी है, अगर उसका कोई ऑप्शन अगर निकल के आता है तो उसके प्रति इतनी हीन भावना क्यों हो जाती है? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे लोग को प्रॉब्लम कोरोनिल से नहीं है, यहाँ पे बाबा रामदेव से प्रॉब्लम है। बाबा रामदेव से प्रॉब्लम इसलिए है कि बाबा रामदेव ने हमेशा देश हित में कार्य किए हैं। आप शुरू से उठा करके देख लो तो वो जो भी उनके कार्य है वो देश हित में ही रहा है। आप एक चीज़ बताइए, पतंजलि ने बंदूक के नोक पे आपको लूटा है क्या? पतंजलि ने आपको ये कुछ झाड़ा फूकी और वो जैसे लूटते हैं वैसे लूटा है क्या? आज इसी बाबा रामदेव ने, फटे हुए बनियान पहनने वाले और चप्पल पहनने वाले ने, आज कोलगेट जो पिछले कितने सालों से हड्डियों से आपका दांत घिसवाता था, उन्होंने मजबूर कर दिया ना वेद शक्ति बनाने के लिए। आज वही कोलगेट वेद शक्ति बना रहा है ना। और मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, इस पे जो बड़ा कमेंट करने वाला है, ये यहाँ का महाराष्ट्र का एक है अनिल देशमुख जो मंत्री है। इन लोगों को, खान के परिवार को, ये 70 सालों से गांधी समझते आ रहे हैं। इन लोग को पता होगा कि हाँ ये अपना जड़ी बूटी से क्या होता है। जो ये खान के परिवार को गांधी समझते आ रहे हैं, ये जो दिन भर चप्पल चाटते इनका जिंदगी जा रहा है, और ये लोग बाबा रामदेव को और ये आयुर्वेद को शक्ति को समझेंगे? आज से एक चीज बताइए, अगर आयुर्वेद की शक्ति नहीं होती, आज से 2,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि 100 प्रकार की ओपन सर्जरी करते थे, उसका दवा भी था। किस से था? आयुर्वेद से था। और एक चीज बताइए, आज भी देश के अंदर जितना भी बजट है आयुर्वेद के ऊपर नहीं रिसर्च नहीं किया जा रहा है, सब किस पे किया जा रहा है? एलोपैथिक पे। तो ये लोग जो जिंदगी भर गुलामी किए और खान को गांधी कह के उनकी तलबे चाटते रहे, ये लोग क्या जानने गए आयुर्वेद की शक्ति? आपको नालंदा विश्वविद्यालय आपको मालूम होगा, सोचिए आज से कितने 100 साल पहले वहाँ पे कितनी ग्रंथे और कितनी पुस्तकें थी जिसमें ओपन सर्जरी से लेके हर चीज़ का एक दवा था। हर चीज़ का दवा किसमें था? हर चीज़ का दवा उस टाइम एलोपैथिक नहीं था, उस टाइम था आयुर्वेद। हर चीज़, एक चीज़ बताइए, और बाबा रामदेव से प्रॉब्लम इसलिए है इन लोगों से कि बाबा रामदेव अब एक आइकन बन चुके हैं, और वो एक आइकन ऐसे नहीं बने हुए हैं। अब इन लोग को कैसा आइकन चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। इन लोग को चाहिए हाफिज सईद, मतलब गुंडे जैसे कि हाँ बम फोड़े कहीं तो उनका नाम करें। अब बाबा ने क्या किया है, 200 देशों में योग को बढ़ावा दिया, योग को 200 देशों तक पहुँचाया, एक नाम किया है। हिंदुस्तान को अभी गर्व है,
भाई मुझे तो गर्व है रामदेव बाबा पे, मुझे गर्व है और मैं पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करके बहुत खुश हूँ। एक चीज बताइए, किसानों को और पूरे देश को, मैं तो कहता हूँ पूरे देश को आज अभी अपने देश में चलाया जा रहा है ये कि इसके तरफ मतलब स्वदेशी अपनाओ, लेकिन बाबा रामदेव आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो सक्सेस हैं, और वो सक्सेस हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बाबा रामदेव एकदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये कोरोनिल मैं गारंटी दे रहा हूँ सब दवा से अच्छा है। 5000 में दवा निकला वो सब ठीक है। एक चीज़ बताइए, आप फेयर एंड लवली जो ऐड करता है कि आप लगा के गोरे हो जाइएगा, आज तक क्यों नहीं सवाल उठाया आप? आज तक सवाल उठाए? आज तक आप सवाल नहीं उठाए? गांधी, ये राहुल गांधी कहाँ से गांधी हो गया? आप बताइए कहाँ से गांधी हो गया? इसका बाप खान, दादा खान, गांधी कहाँ से हो गया? तो ये इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकालेंगे तो अब उस पर आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन इस पर सवाल उठाएंगे कि हाँ ये आयुर्वेद से है तो दिक्कत है। अरे आयुर्वेद से दिक्कत है तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय को खारिज करोगे? जो हमारे 200 साल पहले जो ग्रंथ सब कुछ हुए हैं, जो सब कुछ है, रिकॉर्ड है, तुम तो ऐसे लोग हो कि रामायण भी नहीं मानते थे, अब माने ना, तमाचा पड़ा ना, मुंह पे जूता पड़ा ना। और एक बात जान लीजिए, हिंदू लोग ही एक ऐसा है अपवाद जो अपने देवी देवताओं को शर्मसार करते हैं, अपने पर्व पे होली दिवाली सब पे मेम्स बनाते हैं और सर्कुलेट करके खुश होते हैं। तो ठीक इसी तरह जैसे आज वो, जैसे अभी क्या है, आयुष मंत्रालय ने थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बैन किया है, एक रोक लगाई है, ठीक है, तो वही हिंदू नंगे होके नाच रहे हैं और खुश हो रहे हैं जो ये सब काम करते हैं अपने ही तरह से। मतलब ये लगा लीजिए ये वही लोग हैं कि अपने बाहबाही के लिए अपना ही जिस पेड़ पे बैठे होते हैं ना वो डाल काट देते हैं, ये वही लोग हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कि आयुष मंत्रालय ने रोक लगाई है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही बाबा की दवा लॉन्च होती है तो मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि कई राज्यों में अब एलोपैथी की दवा पहुंचने जा रही है, कुछ कुछ जगह दवा दी जा रही है, उनकी MRP 5000 होती है और बाबा की दवा 545 रुपये होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी सामने आता है कि एलोपैथी का जो गैंग है वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आयुर्वेद को पीछे करने के चक्कर में लगा हो? देखिए ये बिल्कुल सही बात है। आज आप देखिए कि एलोपैथी का जितना ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो सब बाहर की विदेशी कंपनियाँ हैं, और जो ये गैंग है ना ये सब अपने ये समझते हैं कि उनके फूफा की कंपनी है, वो जो पैसा कमा रहा है ना, जो ये विदेशी कंपनी है, ये सारा ऐसा नहीं है कि वो विदेश भेज रहे हैं, ऐसा इन लोग को लगता है कि वो सारा पैसा प्रधानमंत्री योजना में जा रहा है और वही पैसा खर्च हो रहा है। जैसे मतलब ये लगा लीजिए कि एक अंधापन का भी एक हद होता है। अब एक चीज़ बताइए, हमें पता है कि पतंजलि से जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे देश का है, हमारे देश में मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ये अंधे लोगों को नहीं दिखेगा। आपको क्या लगता है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 5000 का दवा बेच रहा है, हर सब लोग, आपको पता है सब प्राइवेट कंपनियां पर एडवर्टाइजिंग चलाता है, सबको पैसा पहुंच रहा है, चाहे एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो चाहे ब्रोकरेज के थ्रू, इसलिए सब लोग चुप लगा के बैठे। लेकिन बाबा रामदेव किसी को एक चवन्नी नहीं देते हैं, ऐड भी करना है आप देखिएगा, किसी हीरो हीरोइन को नहीं लेते, वो खुद आके अपना ऐड करते हैं। तो इससे लोगों को चुभ रहा है, कहां 5000 का दवा और कहां 500 का। तो देखिए ये तिलमिलाहट है और ये तिलमिलाहट रहेगी उन वामपंथियों में जो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह की बाबा का दवा ना आए। और लेकिन ये देख लीजिए, सांच को आँच नहीं है, बाबा का दवा ही सक्सेस है और यही चलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो ये जो बजट होता है, जो 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 आप सारा पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं एलोपैथी पे, आपको आयुर्वेद पे लगाना चाहिए, आयुर्वेद पे रिसर्च, क्योंकि हमारे पास 200 साल पुराना रिकॉर्ड है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा होता है कि राजस्थान की लैब में उसकी टेस्टिंग वगैरह भी होती है, सबसे पहले राजस्थान सरकार खड़ी हो जाती है कि अगर बाबा की दवा राजस्थान में आई तो FIR करके हम उस पर लीगल एक्शन लेंगे। तो क्या लगता है कि बाबा ने अगर मोदी की तारीफ करते हैं तो इस वजह से आयुर्वेद से दुश्मनी निकाली जा रही है? देखिए एक तो बिल्कुल इस वजह से निकाली जा रही है, और दूसरा एक जान लीजिए वहाँ पे सरकार किसकी है, कांग्रेस की, और कांग्रेस में कितने लोग हैं आपको पता है जो ये खान को गांधी मानते हैं, जो
जो 75-70 सालों से अपने आंखों पे पट्टी बांध के जिंदगी जी रहे हैं, अपना जमीर को मार चुके हैं, उन अपना किसी के चरण पादुका को अपने सर पे लेके बैठे हुए हैं, आप क्या उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन लोगों तो को देखिए, सबसे मेन दिक्कत है कि सोनिया गांधी बाहर की है, तो उसको तो ये सब कुछ जान रही कि जब तक है लेके समेट के बाहर जाना है, और ये सारे अंधे मन के उसके पीछे पीछे ये सब भी वही सोच रखते हैं, जितने भी कांग्रेसी हैं सारे वही सोच रखने वाले हैं कि जितना जल्दी से जल्दी सब कुछ लपेटो और यहाँ से निकल लो। लेकिन इनको पता होना चाहिए सोनिया गांधी चली जाएगी, तुम यही रहोगे, और तुम्हारे बच्चे जब तुमसे सवाल करेंगे तो तुम देने के लिए जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। तो इन लोगों से यही उपेक्षा की जा सकती है कि जो पिछले 70-75 सालों से जो तलवे चाट रहे हैं उनसे तलवे वो तलवे ही चाटते रहेंगे जिंदगी भर। आपको बता दूं, अशोक गहलोत क्या करता था, ड्राइवर था इनके यहाँ, तो जो ड्राइवर इनके यहाँ से निकल के गया, आपसे उससे क्या क्या रखते हैं आप? आप उससे ये रखते हैं उम्मीद कि वो देश हित के लिए बात करेगा? वो बस तलवे चाटने आज तो मुख्यमंत्री हैं, चाटेंगे तो तलवे ही। मनमोहन सिंह जी को देख लो, 10 साल तो वो भी पीएम रहे हैं, मनमोहन सिंह जी पीएम रहे हैं ना भाई, लेकिन वो भी कहाँ चरण माथा टेकते थे। अभी जो जो पिक्चर वायरल हो रहा है राहुल गांधी का, उस टाइम पीएम कौन था? मनमोहन जी थे, गए थे, पीछे खड़ा है वो, और राहुल गांधी बैठ के साइन कर रहा है। कौन सा समझौता हो रहा था भाई, जहाँ पीएम खड़ा है पीछे और तुम बैठ के कर रहे हो? तो अभी भी जो लोग नहीं अपना आँख खोलना चाहते उनसे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते, और वो लोग बस मतलब इसी के लायक है, और वो जिंदगी में बस और कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तलवे चाटते चाटते ही मर जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी कांग्रेसी को उठा लो, उसमें आत्मसम्मान नहीं होगा। उसके लिए वही खान परिवार जो सो कॉल्ड गांधी है वही उसके लिए सब कुछ है, बस उसके अलावा उसके पास ना अपना जमीर है, ना अपनी कोई इज्जत है, ना कुछ। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर बाबा रामदेव दवा लेके आते हैं, उन्होंने कहा है कि ये इस समय महामारी का समय है जो हमारा देश आज जूझ रहा है इससे, क्योंकि 4 लाख से ऊपर संख्या पहुँच गई है, तो हम इसका इलाज लेकर के आए हैं जिससे कि फ़ायदा हो और आर्थिक स्थिति भी किसी की ख़राब ना हो। जैसा कि अभी एक मैक्स का एक बिल निकल के आया है, उसका 15 लाख का इलाज दिखाया है उसने, तो कहीं ना कहीं 500 रुपये में अगर इलाज हो रहा है तो, और ये भी कहा है कि अगर गरीब होगा तो हम फ्री में भी देंगे, तो इससे इतनी जलन क्यों हो रही है? मैं आपको बता देता हूँ, ये दिखावे वाली जलन है ताकि लोग को दिखाना। देखिए, सबसे पहले यही लोग जाके दवा खरीदेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, जिस दिन मेडिसिन आएगी सबसे पहले वही लोग लाइन में लग के खरीद लेंगे ताकि दूसरे लोग को दवा ना मिले। देखिए, इनको पता है, विश्वास है रामदेव बाबा पे, दवा पे भी विश्वास है, ये जानते हैं कि मैं उससे ठीक होऊंगा और वो सस्ता भी है। एक चीज बताइए, गरीब आदमी 500 का दवा खरीदेगा या 5000 का? 500 का खरीदेगा, ये सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन इनका बाप कौन है? बाप के इशारे पे चलना है। एक अगर लोमड़ी का एक झुंड होता है ना, तो अगर एक लोमड़ी हुआ करता है ना तो सब हुआ हुआ करता है। तो ये जो वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, ये सब का क्या है, एक ही एजेंडा है कि राष्ट्रहित का कोई भी बात कर ले, राष्ट्रवाद का कोई भी बात कर ले, उसका विरोध करना है। और दूसरा, खास करके रामदेव बाबा तो जाहिर सी बात है, एक वो एक फेस है, एक आइकन है जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके विरोध में तो होना ही है ये सब। वैसे आज गौरव की बात होनी चाहिए थी हमारे देश के अंदर, जब 222 के आसपास देशों में कोरोना की महामारी फैली हुई है, आज भी बड़े बड़े देश हैं वो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, रिसर्च करने में लगे हुए हैं। अगर हमारा देश आयुर्वेद में अगर दवा बना करके तैयार करके अगर ला सकता है बाज़ार में, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम गौरव की तरफ बढ़ना चाहिए था, और आज उन्हीं की टांग पकड़ के खींचा जा रहा है। सर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर एक चीज़ बताइए, कितना गौरव का बात था कि कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं था तो कहाँ था? अपने भारत में था, नालंदा में था, सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो था वो था, उस पे लोगों को गर्व नहीं हुआ और उस समय उसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया, और कोई चिंता नहीं हुई। देश के लोग अगर एकजुट होते तो ऐसा होता क्या? जब नहीं हुआ तो आज के तो देखिए वो अंधे लोग हैं जो उसके पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल है,
आज हम और आप क्यों बैठे हुए हैं, इतना दवा निकला था, मैं घर से नहीं निकलता था, लेकिन मुझे पता है बाबा रामदेव ने दवा निकाला है, अब मैं ठीक हूँ। मुझे एक 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 फीलिंग है कि हाँ अब बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबा ने दवा निकाला है, मुझे गर्व है, मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हो दवा। मैं बिलीव कीजिए मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, मैं तभी घर से निकला हूँ। नहीं तो कितने भी लोग मेरे रिक्वेस्ट कर लिए कि घर से बाहर आइए ये करिए, मैं नहीं निकला हूँ, मेरा काम खराब हो गया, मैं नहीं निकला हूँ, लेकिन मुझे पता है बाबा ने जो निकाला है एकदम अच्छा दवा है और वो काम करेगा, इसलिए मैं अब बिल्कुल मतलब मेंटली फिट हूँ कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं दवा लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। मतलब एक जो लोगों के अंदर पैनिक था कि अगर कोरोना हो गया तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, अछूत की बीमारी सी थी, एक दूसरे को छूना पसंद नहीं कर रहे थे, तो क्या लगता है अब वो कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव था दवा को देखते हुए, वो मानसिक तनाव में कुछ तो कमी आ रही होगी? वो मानसिक तनाव कमी नहीं, बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, अब उस पर धूल जम चुका है, अब ये दवा से एक नई आशा की किरण दिखी है। देखिए जो पॉजिटिव है उन सबको दिखी है, हमें भी दिखी है, अब जो वो है जो वामपंथी है उसकी उसका तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन दवा सबसे पहले वही खरीदेंगे, सबसे पहले वो दवा इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनको पता है कि धीरे धीरे मार्केट में दवा आएगा, इसलिए सबसे पहले वो खरीद लेंगे दवा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इनका वही है कि बस इनका एक हुआ किया है तो ये लोग भी हुआ करेंगे, तभी तो इनकी हाजिरी रिकॉर्ड होगी ना। देखिए ये गिने चुने लोग हैं जो ये भोंकते हैं, ये गिने चुने लोग हैं, तो ये अपनी हाजिरी देते हैं। आज देखिए एक ने एक ट्वीट करेगा तो उसके साथ सब आ जाएगा, मतलब सब एकदम लग जाएंगे कि अपना हाजिरी देना है कि उनको कि हाँ मैं भी हूँ।